नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। यहां पर देखते हो गाड़ी आई हुई है BS6 टाटा 3518। इसका हम फुल रिव्यू आपको देने वाले हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन रहती है, क्या इसकी माइलेज रहती है और प्राइस क्या रहता है। और चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम गाड़ी की GVW की बात करें तो 35 टन GVW इस गाड़ी मिलता है। जब गाड़ी की बॉडी बन जाती है तो उसके बाद गाड़ी 10 टन की हो जाती है। 25 टन गाड़ी अंडरलोड में आराम से गाड़ी पास करती है। 5% RTO एक्स्ट्रा पासिंग भी देता है, वो अलग से रहती है इसके ऊपर से। और फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में देखते हो यहाँ पर इंडिकेटर्स, जैसे पहले ही सेम डैशबोर्ड आया हुआ है, वही डैशबोर्ड टाटा ने BS6 में निकाला है। पर 14 चक्का और 16 चक्का में इस तरह का डैशबोर्ड गाड़ी में आया हुआ है। 6 चक्का, 10 चक्का और 12 चक्का में यही डैशबोर्ड यही मिलने वाला, आपको देखने मिलने वाला। यहाँ पर 3518 की यहाँ पर बैजिंग दी हुई है क्रोम से। और 3518 का मींस है 35 टन पासिंग और 180 हॉर्स पावर का गाड़ी में इंजन है। 850 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये गाड़ी दे रही है। और 6 सिलेंडर गाड़ी का इंजन है, 5.6 लीटर का क्यूमिक का इंजन इस गाड़ी में आ रहा है। और फ्रंट से शो देखते हो वाइट कलर की शो आती है, टाटा की यहाँ पर सेंटर में बैजिंग है। और 2 यहाँ पर हेडलाइट्स के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ी हुई है, आराम से यहाँ पर हेडलाइट्स फिट हो जाती हैं। साथ में हैवी बम्पर ये आ रहा है टाटा की तरफ से और यहाँ पर हेडलाइट्स फिटेड हैं, वो हम बिल्कुल नहीं छेड़ते, वो यहाँ पर रहती है। उसके बाद हम 2 एक्स्ट्रा हेडलाइट्स यहाँ पर लगा कर देते हैं कस्टमर को। और नीचे वाला बम्पर देख सकते हो, स्पेशियस बम्पर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अगर हम सेंटर ग्रिल की बात करें तो देख सकते हो 3 पार्ट्स में ये ग्रिल बनाई हुई है। जो सेंटर में पार्ट्स है वो ओपनेबल है, यहाँ से देख सकते हो आप लिफ्ट कर सकते हो। अगर आप अंदर से नज़दीक में आकर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले इंटीकूलर आ गया, उसके बाद रेडिएटर है, वाटर बॉडी यहाँ पर आ गई और देख सकते हो पाइप्स देख सकते हो उसके इंटरकूलर के। और साथ में यहाँ पर हाउस पाइपिंग पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर बेंडिंग की हुई है, क्लिपिंग के साथ यहाँ पर सारी ही यहाँ पर सेटिंग की हुई है गाड़ी की। और डैशबोर्ड के पाँव देख सकते हो यहाँ पर फिटिंग की, यहाँ पर अटैचमेंट की हुई है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो रेडिएटर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ कितना जा रहा है वो देख सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर देख सकते हो आप, रेडिएटर इस हिसाब से यहाँ पर जा रहा है। और ये जो 2 लोगों के पाइप जा रहे हैं ये आपके स्टेयरिंग बॉक्स को जा रहे हैं, टीके उसमें जा रहा है। और चलिए हम एक बार आपको साइड प्रोफाइल की बात करवाते हैं। साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर ड्राइवर साइड में आपको जो चीज़ मिलने वाली है ABC एक्सेसरी, यहाँ पर देख सकते हो एक्सीलेटर, आपको टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर यहाँ पर मिलने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर ब्रेक्स में देख सकते हो प्रेशर ब्रेक्स और ABS के साथ यहाँ पर आपको वेबको के यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर हम क्लच की बात करें तो 380 mm का क्लच आपको यहाँ पर देख सकते हो, क्लच ऑयल वहाँ पर पड़ता है। और वाइपर मशीन इसकी यहाँ पर रहती है, उसको हम खोलकर ऊपर में तरफ और नीचे ही फिट करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो की स्विच यहाँ पर लगता है और अंदर से हम बाद में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर हैंड ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल राइट साइड पर ड्राइवर सीट के। और ड्राइवर सीट पीछे से भी रेस्ट आगे पीछे होती है और यहाँ से भी उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एडजस्टेबल सीट आपको ड्राइवर सीट मिलने वाली है। और यहीं पर एक और खासियत, इस डैशबोर्ड को क्यों इतना पसंद किया जा रहा था, ये मेरी हाइट है, यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे शोल्डर के नीचे आ रहा है। अगर हम नया डैशबोर्ड की बात करें तो ये देख सकते हो आप, ये मेरे ईयर के बल आ रहा है और इतना फ़र्क है, मान के चलिए गाड़ी में 1 फिट का अंतर है इसके डैशबोर्ड के उसके डैशबोर्ड के। और इस गाड़ी में इंजन की पावर है वो ज़्यादा रखी हुई है, इस वजह से इसका डैशबोर्ड ज़्यादा है। इसमें पुराना इंजन है, वही इंजन VS6 में बना दिया है। और अगर हम बात करें डीजल टैंक की तो 365 लीटर का डीजल टैंक आपको यहाँ पर साथ में मिला है। 3 ब्रैकेट्स आपको टाटा की यहाँ पर बैजिंग लगी होती है और प्लास्टिक पॉलीमर का ये आपको बना होता है। उसके बाद DEF टैंक साथ में ही आ जाता है, यहाँ पर देखो 65 लीटर का डीजल DEF टैंक आपको क्यूमिक्स की वैजन के साथ आ जाता है। अगर हम टायर्स की गाड़ी की बात करें तो फ्रंट एक्सल तो स्टेयरेबल है और ये जो एक्सल है वो लिफ्ट एक्सल यहाँ पर दिया हुआ है। 295/90R20 के टायर्स, रेडियल टायर्स आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाले हैं। और ये रहा ये आपका मेन टायर आपको यहाँ रहा और डमी टायर उसके पीछे बिल्कुल साथ में दिया हुआ है। और बाकी ये उसकी गाड़ी की प्रेशर टैंकीज की बात करें तो यहाँ पर देखो साइड पर दी हुई है बिल्कुल स्पेशियस में और बाकी अंदर दे रही है बाकी प्रेशर टैंकीज, तो क्रॉस मेंबर्स बिल्कुल एडजस्ट किए हुए हैं। और जो चेसिस फ्रेम है वो 11 इंच का चेसिस फ्रेम कर दिया है, चेसिस पहले से हैवी कर दिया, 8 mm की चेसिस कर दी है। और अगर हम पीछे से बात करें यहाँ पर देख सकते हो आप सेंसर्स जो पीछे लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो 2 सेंसर्स लेफ्ट साइड पर और 2 सेंसर्स राइट साइड पर, 1 सेंसर सेंटर में। और यहाँ पर आपको LED लाइट्स भी आपको यहाँ पर साथ में मिल रही है। और इस गाड़ी का अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इस गाड़ी का 30 लाख रुपये निकल के आ रहा है। और जब ये गाड़ी
मान के चलिए BS4 में थी तो 24 से 25 लाख रुपए की आराम से मिलती थी, अभी 5 से 6 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस बढ़ चुका है BS6 में। और यहाँ पर देखते हो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको स्पेयर टायर की ऑप्शन यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर मिल जाती है। और बाकी अगर हम कमानी की बात करें तो कमानी में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स आपको इस गाड़ी में आगे और पीछे की तरफ मिलने वाली हैं। और जो लिफ्ट टायर है वहाँ पर आपको दो एयर बैलून्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो प्रेशर पर काम करते हैं। और यहीं पर अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स में आपको 950 का नंबर का गियर बॉक्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। और दूसरी बात, ये गाड़ी है काउल में भी आती है और सिग्ना कैबिन में भी ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। और बैटरी देख सकते हो आप, यहाँ पर दो बैटरीज 12-12 वोल्ट की यहाँ पर प्लेस की है, उसको हम निकाल कर यहाँ से यहाँ पर कर दें कनेक्ट साइड कर पीछे कैबिन में सेफ्टी के लिए। और यहीं पर देखो तो डीजल पंप भी यहाँ पर दिया हुआ है कनेक्टर साइड पर। और दूसरी बात करें, जो चेसिस का नंबर है यहाँ पर प्रिंट होता है, यहाँ पर चेसिस नंबर प्रिंट होता है हर एक गाड़ी का कनेक्टर साइड पर। और चलिए हम एक बार आपको डैशबोर्ड में दिखाते हैं, डैशबोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ नया मिलने वाला है। गियर्स में देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको 6 गियर आगे की तरफ, एक रिवर्स गियर आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाला है। और दूसरी खास बात, जैसे हम गाड़ी का स्विच लगा रहे हैं और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती गियर में, न्यूट्रल में ही गाड़ी ये स्टार्ट होती है। आप इंजन साउंड चेक कर सकते हैं, जो क्यूमिंग्स का इंजन यहाँ पर दिया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसमें देख सकते हो आप 5x5 इंच की यहाँ पर LED स्क्रीन मिल रही है। और यहाँ पर एयर बार्स का यहाँ पर आपको मिलता है DEF टैंक, जैसे 3 पॉइंट्स का DEF यहाँ पर 50% अभी टैंकी में है। और डीजल फ्यूल कितना है वो भी गाड़ी में किलोमीटर पर आर, RPM मीटर और टेम्परेचर मीटर, ये सब कुछ बताती है। ट्रिप हम कितना ट्रिप आगे जा रहे हैं, ट्रिप ए और बी के, वो भी ऑप्शन में रहता है। और यहीं पर आपको एवरेज का भी मीटर बताती है, 5.9 किलोमीटर पर लीटर की ये गाड़ी खाली एवरेज दे रही है। जब गाड़ी लोड होती है तो 4 किलोमीटर की प्रति लीटर की एवरेज देती है। यहाँ पर जो मोड दिए हुए हैं, यहाँ पर हैवी यहाँ पर आ रहा है, मीडियम मोड अगर हम प्रेस करें तो यहाँ पर मीडियम आ जाएगा, उसके बाद लाइट मोड अगर हम प्रेस करें तो लाइट में आ जाता है यहाँ पर देख सकते हो आप। और जो पी बटन आ रहा है वो प्रेशर का आ रहा है, जो हैंड ब्रेक हमने अब उठा देंगे तो वो चला जाता है। और यहाँ पर इंजन लाइट्स के लिए यहाँ पर ऑल इंडिकेटर्स, और फ्रंट एक्सल के बारे में, ABS के बारे में, और ये जो स्विचेस दिए हुए हैं, ये रीजन स्विच दिए हुए हैं। और जब भी ये रीजन स्विच काम करती हैं तो यहाँ पर अगर स्विच हमने काम करना है तो प्रेशर काफ़ी बनाना पड़ता है गाड़ी का, और RPM भी 2500 RPM पर ये गाड़ी बनानी पड़ती है, उसके बाद रीजन स्विच काम करती है। जो भी कचरा होता है इसके SCR सिस्टम में तो वो सारा इससे निकल जाता है बाहर। और चलिए हम एक बार को SCR सिस्टम जरूर दिखाते हैं गाड़ी का। अगर इमिशन कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर आपको DOC, DPF, SCR और MOX के साथ यहाँ पर SCR सिस्टम इस गाड़ी में वर्क कर रहा है। उसके सेंसर्स आप यहाँ पर प्लेस किए हुए देख सकते हैं, इस टोटली गाड़ी सेंसर पर है। और यहाँ पर देखिए, एक बार हम चेसिस का आपको ओवरऑल व्यू हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। और पीछे में जो रियर एक्सल दिया हुआ है, टाटा सिंगल रिडक्शन RA11 OLD यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रंट में आपको टाटा एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी 70 रिवर्स इलियर टाइप आपको यहाँ पर रहता है, यहाँ पर देख सकते हो सारा सस्पेंशन का सारा काम। और चेसिस देख सकते हो आप, ये था जी फुल रिव्यू इस गाड़ी का, टाटा 3518 BS6 मॉडल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना, और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।